ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बन्ना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। दोस्तों ये डायलॉग तो शायद आपने सुना होगा, ये राजकुमार का फेवरेट डायलॉग है। ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। आइए इसको डीकोड करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें इंग्लिश आती है, लेकिन जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो रह जाते हैं। इसीलिए हम ये कोशिश करेंगे कि हम डायलॉग के थ्रू इन वर्ड्स की वोकैबलरी भी समझें और इनको कन्वर्ट भी करें। तो सबसे पहले चुनते हैं ना तलवार की धार से। दोस्तों तलवार की धार को हम सॉर्ड्स एज बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं सॉर्ड्स एज। अब क्योंकि इसमें कंपैरिजन है ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, तो इसमें एक फ्रेज आता है जिसे कहते हैं नीदर नॉर, नीदर नॉर, ना ही इससे ना ही उससे। तो इसमें हम यूज़ करेंगे नीदर फ्रॉम द सॉर्ड्स एज, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से। दोस्तों कई सारे लोग गोलियों की बौछार को नहीं बोल पाएंगे, इस लिटरल ट्रांसलेशन होता है बराज ऑफ बुलेट्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ना गोलियों की बौछार से, नॉर फ्रॉम द बराज ऑफ बुलेट्स। सो नीदर फ्रॉम द सॉर्ड्स एज नॉर फ्रॉम द बराज ऑफ बुलेट्स, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। तो ये अपने लिए बोल रहा है राजकुमार, तो इसलिए बोलेंगे आई एम अफ्रेड ऑफ ओनली द अलमाइटी गॉड। तो अगर हम पूरा बोलना चाहते हैं तो नीदर फ्रॉम द सॉर्ड्स एज नॉर फ्रॉम द बराज ऑफ बुलेट्स आई एम अफ्रेड ऑफ ओनली द अलमाइटी गॉड। दिस विल बी द लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डायलॉग। आई होप यू हैव गॉट समथिंग आउट ऑफ इट एंड वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज।